चितरंजन गगन जी, कभी सीएम के आवास को लेकर विवाद, कभी डिप्टी सीएम के आवास को लेकर विवाद, तेजस्वी यादव के आवास को लेकर के विवाद हो गया कि सामान ही वहां से गायब हो गया, डिप्टी सीएम साहब गए तो साथ साथ सामान लेकर चले गए, ऐसे आरोप लगे। पर पीयूष जी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 वर्षों से इस देश पर ऐसे लोगों का शासन हो गया है जो इतने निचले स्तर तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि आज तक कभी भी आप देख लीजिए, कभी सकारात्मक राजनीति भाजपा की ही नहीं, और वहां पर केवल झूठ बोलना, दूसरे का विपक्ष का चरित्र हरण करना, यह इन लोगों का जो है बुनियादी चरित्र बन गया है। चाहे वह मैंने बिहार का मामला हो या जो है सो दिल्ली का मामला हो, तो यह घटिया राजनीति जो है सो इसके भाजपा के संस्कार में, झूठ बोलना, छीछी ओछी राजनीति करना। अब बताइए, मैंने मुख्यमंत्री हैं वहां पर आतिशी, और मुख्यमंत्री के आवास में तलाशी लेने जा रहा है उसके बारे में भी तो बोल जो पीडब्ल्यूडी जो है वह भाजपा का बपौती है क्या? नहीं, सत्ता में आप आए हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी नियम कानून है, आपके लिए बपौती हो गया। साजिया जी क्या बोलिएगा आप? साजिया जी सरकार का है, साजिया जी क्या बोलिएगा? झूठ के अलावा कुछ बोल सकते हैं क्या? इतना घटिया राजनीति, सर माननी चाहिए। नहीं, सर माननी चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ा पार्टी के हम नेता है, ये तो बहुत ही बुरा लगता है भाई साहब। इतना तो पैसा कमाया है, इतना आप सरकार का पैसा जो है वो जो सरकारी होता है उसमें देश को बेच रहे हैं आप, और आरोप लगा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना भाई, आपका सुनिए, अच्छा नहीं लगता। आपका तो बुनियाद ही परसेप्शन, प्रोपेगेंडा और परपंच है। जनता पर बातें कर रहे हैं, क्या किए भाई साहब? अरे वो आपकी राय है, वो आपकी निजी राय है, हमें कैसे, हम भी कह सकते हैं आपकी नियत खराब है। मैं तो बात कर रही हूँ उस, अरे क्या किए 10 साल में, यह तो बताइए। मैं वॉश बेसिन चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बात कर रही भाई साहब। मैं लूटने के अलावा सारे भ्रष्टाचारी आपके गोद में चले गए, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं और उसके बाद दूसरे का चेत हरण करते हैं। अब अपना चेत पर देखिए, आपका चेत क्या है? दूसरे का चेत हरण करना और केवल जो है माखौल उड़ाना, केवल आपका आप लोगों का लगा दिया है। तेजस्वी जी का क्या चरित्र है? तेजस्वी जी का क्या चरित्र है कि वॉश बेसिन का जनता के हित की बात कुछ कीजिए, जनता के मुद्दों पर कुछ बोलिए, जनता के मुद्दों पर नहीं बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी को नहीं बोलिएगा, बेरोजगारी पर नहीं बोलिएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, कोई सांसद हो, विधायक हो, उसको अगर आवास आवंटित होता है घटिया है, तो उसके पास आवंटन पत्र होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, तो आतिशी जी के पास भी होगा, आतिशी जी के पास भी होगा, या फिर ऐसी परंपरा है कि चाबी लेकर पहले शिफ्ट कर जाइए, आवंटन पत्र बाद में आता रहेगा। नहीं नहीं प्रत्युष जी, जैसे आप, मैं बिहार के बारे में बता रहा हूँ, जो तेजस्वी जी को जो आवास मिला, उन्होंने आवास सुपुर्द कर दिया, भवन निर्माण। एक सेकंड, मेरा सवाल विवेक जी से था। हाँ विवेक जी, हाँ बोले। तो मेरा जीवन पूरा सरकारी अकोमोडेशन से बीता है, क्योंकि मैं फादर ऑफ द गवर्नमेंट था। चौधरी रोड हो गया, प्रगति विहार हो गया, फिर एंड्रूजगंज हो गया, उसके बाद सीनियोरिटी ज्यादा बढ़ी तो भंडारा रोड। तो मैं हर तरह के गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहा हूँ, हमने शिफ्टिंग करी है, और बिकॉज हमारा पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी से एक इंटरेक्शन भी रहा है, तो मैं इस प्रक्रिया को भली भांति जानता हूँ। तो उसके अंदर भाई, पहले तो उस क्वालिटी के अंदर स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, ये कंपल्सरी होता है, पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी में रूल है कि अगर अब आपका टेन्योर खत्म हुआ, वो अकोमोडेशन अब आपका नहीं रहा, आपको वो खाली करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज पीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी में सरेंडर करनी पड़ेगी। सरेंडर करने के बाद वो एक छोटा सा इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि भाई जो सरकारी एक्सेसरीज उसमें लगी थी, क्या वो इन प्लेस है, क्या वो नहीं इन प्लेस है। उसके बाद फिर वो चाहे तो किसी और को अलॉट कर सकते हैं। अब लेकिन दूसरी बात यह है सर, एक व्यावहारिक तरीके से इस पूरे देश के अंदर मैं दूसरी बात भी आपको बताऊंगा कि पीडब्ल्यूडी एंड सीपीडब्ल्यूडी इज ऑल्सो वेरी फैसिलिटेटिंग इन नेचर। अब कोई सीनियर सिटीजन है, उसको किसी को एक फ्लैट अलॉट हुआ और उसके घर में सीनियर सिटीजन हैं और वो साहब सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, तो वो एक छोटी सी चिट्ठी लिखेंगे और सीपीडब्ल्यूडी अगर कोई दूसरा फ्लैट है तो प्रायोरिटी पे अलॉट करने की कोशिश करेगा।
तो अलॉटमेंट जो है वो एक स्ट्रिक्ट आर्मी रूल की तरह नहीं होता, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसके अंदर काफी जिस व्यक्ति को घर अलॉट किया जा रहा है उसमें सीपीडब्ल्यूडी का एक अकोमोडेटिंग नेचर होता है जी। यहाँ पे इस केस के अंदर जब ये इस घर ये जो सीएम आवास था जब एक कॉन्ट्रोवर्सी में आया किताब इतने सारे पैसे इसमें लगे हैं इसमें इतनी एक्सेसरीज हैं और पर्दे हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि ये व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं है, दूसरा आदमी आएगा उसके बाद कोई दूसरी पार्टी का आएगा, हमने एक चीज बना के दी है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरेंडर तो हुआ है, ये हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि वो जो अलॉटमेंट लेटर था बाय द टाइम वो बना रहे थे क्योंकि इट वॉज ऑल बींग डन विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीपीडब्ल्यूडी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये मैं अनंत विजय सर किसमें कुछ कहना चाहते हैं, अनंत विजय सर और ये सब पता था कि इस बंगले में कौन आने वाला है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और बाकी प्रोसेस सरकारी प्रोसेस बाद में चलता रहेगा, विभागीय प्रोसेस चल रहा था। विवेक जी ने सारी प्रक्रिया सही बताई, बस आजकल उसमें एक बदलाव ये हो गया कि ये सारा सब कुछ ऑनलाइन होता है। सीपीडब्ल्यूडी में आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन आपका नंबर लगा रहेगा और ऑनलाइन ही आपको चेंज के लिए भी एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवास आवंटित करने के मामले में ये जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन सीपीडब्ल्यूडी ने किया है या नहीं किया है? आदिल जी इसका जवाब देंगे। आदिल जी क्या है या नहीं? आदिल जी देखिए मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें यहाँ हो रही हैं कि क्या प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, अरे भाई साहब बगैर प्रक्रिया के पालन के वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वहाँ नहीं जाएंगी, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस भी है, कैंप ऑफिस में उन्होंने बैठकें शुरू की थी और आप मुख्यमंत्री को आवास ही नहीं अलॉट कर रहे हो। अलॉटमेंट लेटर भी होगा आपके पास, जैसे आपने पीडब्ल्यूडी का नोट यूज दिखाया है आपके पास वो अलॉटमेंट लेटर भी होगा, वो भी दिखा दीजिए दर्शकों को। मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं अब एग्जैक्टली प्रत्युष भाई देखिए मैं वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री मैंने वाला दिखाई है जो आप दिखा रहे थे नोट यूज वाला, तो अलॉटमेंट लेटर भी दिखा दीजिए दोनों साथ साथ रख के दिखाइए। नहीं अलॉटमेंट की मैं आपको वही कह रहा हूं, अलॉटमेंट लेटर नहीं है जी जो बता रहे थे मैं उसी, एक मिनट, जो विवेक जी बता रहे थे मैं वही कह रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्यमंत्री को नए मुख्यमंत्री को चाबी दे दी, अलॉटमेंट का एक प्रोसेस होता है जो अलॉटमेंट हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अपॉइंटेड एलजी हैं वो कूद के बैठ गए बीच में और उन्होंने कहा नहीं जी हम इनको अलॉट नहीं करेंगे, हम इसको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अलॉट करेंगे। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि मुख्यमंत्री आजी आलमी दो बड़ी बातें आम आदमी पार्टी कह रही है, एक तो ये कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को घर से बेघर किया गया जी, घर खाली करवा दिया गया। दूसरी बड़ी बात कि आप किसी बड़े बीजेपी के नेता को यह आवास आवंटित करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कह दूं कि इस भाई साहब जो लगातार बोल रहे हैं और एक बात को कई बार कह रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण है कि एलजी इसमें खुद बैठ गए और उन्होंने कुछ किया? आपके पास क्या प्रमाण है? आप बहन जी आप जो लगातार बार बार सबके बीच में बोल रही हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? आप झूठ बोल रही हैं बहन जी, जो आप बार बार सबके बीच में झूठ बोल रही हैं, आपके पास क्या? देखिए दिक्कत यह है कि आपके पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए, आपके साथ दिक्कत यह है कि आपके पास बोलने के लिए कभी कुछ नहीं होता है। आप सारे चैनल पर बैठकर आप हर चैनल पर बैठकर यही करती हैं कि सबके बीच में कूद जाती हैं। आदिल जी आपके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता है। जब आप बोल रहे थे एक सेकंड, आदिल जी दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। आदिल जी जब आप बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे अभी जब आप बोल रहे थे, शाजिया आलमी ने बीच में आपको इंटरप्ट किया इंटरप्ट आपको जब आप बोल रहे थे? नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं सुना। तो एक बार सुन लीजिए, सामने वाले को भी सुनना जरूरी होता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ प्रत्युषी ऐसे ना कीजिए प्लीज। आदिल आदिल भाई क्यों आप थोड़ा तमीज दिखा दीजिए, आपकी आदत है झूठ बोलने की। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो तो सबके सामने आ जाएगा जी। शाजी आलमी जी इसलिए सबको बोलने का मौका दिया जाता है, टू दी पॉइंट में अपना पॉइंट क्लियर कीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आए कौन सच्चा है कौन झूठा है। शाजी आलमी जी प्रत्युषी आपको उनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, आप जो कर रहे हैं प्रत्युषी। नहीं अब शांत हो गए, आदिल शांत हो गए, सुनना चाहते हैं आदिल जी, आपसे सुनना चाहते हैं, आदिल जी आपसे सुनना चाहते हैं, आदिल जी सुनना चाहते हैं कि ये आदिल जी सुनना चाहते हैं कि किस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि सारी प्रक्रिया का पालन हो गया, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत हो गई। आप बीजेपी के नेता को अलॉट कराना चाहती हो आवास,
आप जी, अरे आप एक मिनट तो मुझे बोलने दीजिए। दीदी बोलिए बोलिए बोलिए, खुदा तो नहीं है ना इंसान कि वो डिसाइड करेगा झूठा कौन है सच्चा कौन है। सच बोलिएगा। तो सिविक बॉडी जो है पीडब्ल्यूडी, उसका लेना देना एलजी से नहीं है। उन्होंने कहा है वो इंस्पेक्ट करते हैं घर को और उसके फिर झूठ बोला, उन्हें झूठ बोल, फिर झूठ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि कीज उनको दी गई लेकिन कीज वापस ली गई, इसीलिए विजिलेंस विभाग ने बाकायदा वो कीज वापस ली है। प्रत्युष जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे? मैं प्रत्युष जी से कहना चाह रही हूँ, आप क्यों, आप इनकी आवाज नहीं बंद कर सकते? टाइम मेरा वेस्ट है, नहीं मेरे लिए वेस्ट है, नहीं करते आवाज हम किसी की डिबेट में बंद नहीं करते। शाज़िया आलमी जी आप बोल, नहीं आप बोलिए शाज़िया आलमी जी, शाज़िया आलमी जी आप बोले, सुन रहे हैं सब आप कैसे बोले, नहीं नहीं आपको सब सुन रहे हैं, आप बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही, सब सुन रहे हैं आप, सब सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए तो सही, सब सुन रहे हैं। लेवल भी गिर रहा है लगातार, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रत्युष जी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना अपने, बोलिए बोलिए। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि कीज उनको वापस दी गई थी लेकिन ले ली गई और इसीलिए विजिलेंस विभाग ने उन दो अधिकारियों को बुलाया है कि आपने क्यों ले ली वापस और क्यों वापस दी। पीडब्ल्यू ने यह भी कहा है कि कीज उनको नहीं दी गई जब ऑफिशियल्स विजिट कर रहे थे, यानी कि जब इंस्पेक्शन हो रहा था और आइटमाइज होना था तो उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने खत भी लिखा है, ये देखिए एक और मैं बता दूं, पीडब्ल्यूडी ने खत भी लिखा है आम आदमी पार्टी को, कहा है कि आप चाबी जो है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस की वो दे दें। और केजरीवाल ने जब दिया था तो ये एक चाबी उन्होंने डायरेक्टली दी आतिशी को, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने उससे ली और कहा कि इंस्पेक्शन के लिए चाहिए, लेकिन चाबी एक अधिकारी ने चुपके से वापस आतिशी को दे दी। अब चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो भारत में जो इलेक्टेड जो सरकारी बंगले में रहता है उसको हैंडओवर करता होता है पीडब्ल्यूडी को, ये नियम है, तय नियम है। फिर उसमें आइटमाइज होती है चीज़ें, इंस्पेक्शन होता है, फिर एक फ्रेश अलॉटमेंट होता है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। तो ये इसमें एलजी कहाँ से आ गए, छीन लिया चाबी, नहीं देने दे रहे हैं। सच तो ये है कि सुल्तान साहब छुपा रहे हैं, सुल्तान साहब को डर है कि वो झाड़ फानूस और जकूजीज और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे है। रहे हो, तो सच तो ये है कि और एक और पे भाई साहब अनंत जी को, मैं अनंत जी को कहना चाहूंगी, मैं अनंत जी को एक और बात कहना चाहूंगी। अनंत जी आपने कहा कि भाजपा दिखाना चाह रही है, दरअसल ये पूरा जो भंडा फोड़ हुआ था इन सुल्तान साहब का, आप कह रही हैं उन्होंने कोविड में 60 करोड़ रुपए बर्बाद करे, आप कह रही है वो झाड़ फानूस वो शीश महल दिख जाएगा इसलिए जल्दबाजी में तुरंत आतिशी वहां पर शिफ्ट कर गई। तो केजरीवाल साहब तो मात्र दो छोटे ट्रक से सामान लेके निकले, चीजों को निकाले भी। केजरीवाल साहब तो मात्र दो छोटे ट्रक से सामान लेके निकले, इतना बड़ा झाड़ फानू शीश महल तो बहुत ट्रक लगता है। जैसे जैसे तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने बाकायदा, चाहे वो टाइलें हो, चाहे वॉश बेसिन हो, चाहे टोटियां हो, चाहे लाइट्स हो, निकाले हैं। ये तो बड़ा महंगा सामान है विवेक जी, विवेक जी आपने कहा ना, विवेक जी आपने कहा ना कि मैक्सिमम टाइम आप सरकारी बंगले पर, नहीं नहीं आपने, मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ, आपने कहा ना कि मेरा ज्यादातर समय ऐसे ही बीता है, तो आप इस अलॉटमेंट के बारे में बेहतर बता सकते हैं। जब ये घर खाली होता है किसी का तो क्या क्या वीडियो बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, नहीं 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 नहीं, क्या उसकी सूची बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है, चेकलिस्ट कि क्या सामान पहले था और क्या सामान अब नहीं है, क्या डैमेज है क्या डैमेज नहीं है। अब तो ये भी पूरा डिजिटल रिकॉर्ड होता है कि कहां तोड़फोड़ की गई है, सब कुछ होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर ये सब करना होता, चीजों को निकालना होता, तो शायद 2 के बजाय 10 ट्रक होते, जिस तरीके से वो एक बड़ा आवास है। ये सब हैंकी पैंकी कुछ भी केजरीवाल जी ने नहीं किया है, मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन इतना मुझको भी समझ है, ये जरूर था कि भाई जो अगला चीफ मिनिस्टर आएगा हमारी पार्टी का वो भी इसी आवास में रहे, ये एक इच्छा जरूर रही होगी, और इसीलिए चाबी हैंडओवर की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सर पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी पूरे देश में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहती है इन चीजों के अंदर, जब चाबी दे दी गई और हैंडओवर हो गया है। लेकिन आदिल खान साहब बीजेपी कह रहे कि ये जो दो छोटे ट्रक से सामान लेकर निकले हैं केजरीवाल जी, दरअसल ये सिर्फ दिखावा था, ये नाटक था, ये सबको पता है कि बंगला आप ही के कब्जे में है, अभी भी आप भले वहां ना रह रहे हो लेकिन बंगला आप ही का है। देखिए विवेक भाई, मैं कई बार बोल चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब घर खाली किया तो उन्होंने चाबी पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर कर दिया, और यह मैं कोई साजिया इल्मी की तरह झूठ नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह, इसके सबूत हैं, इसका यह नोट है, इसकी चिट्ठी है, इसका लेटर है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेगा तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहेगा,
क्या उसमें एलजी साहब भी अपना एक नया ऑफिस बनाना चाह रहे हैं? क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता उसमें आने वाला है? हम बार बार यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आवास है तो उसमें निश्चित तौर पर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस एलजी को यहाँ नियुक्त किया है, जो लगातार दिल्ली के कामों पर मुख्यमंत्री आवास है तो उस मुख्यमंत्री आवास में तो मुख्यमंत्री रहेगा ना। क्या दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास तय हुआ है अभी तक? दिल्ली के अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग समय में अलग अलग बंगले पर रहते आए हैं। क्या कोई नियमावली बनी है कि ये दिल्ली में ये चिन्हित बंगला ये मुख्यमंत्री के लिए हमेशा के लिए आवंटित है? मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है प्रत्युष जी। देखिए, ये झगड़ा कोई कुछ नहीं है, ये झगड़ा सिर्फ है कि अंदर का वीडियो बाहर आए कि ना आए, बस सिंपल सी बात है। इसमें और कोई झगड़ा, ये वीडियो किसके पास होगा? ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चेकलिस्ट और वीडियो के अंदर क्या था शीश महल के अंदर? एलजी ऑफिस ने ये साफ कर दिया कि आरपीसी जी को ही अलॉट किया जाएगा और 7 दिन के अंदर उनको अलॉट कर दिया जाएगा प्रक्रिया पूरी करने के बाद। देखिए, ये कोई वीडियो की बात नहीं है, एक मिनट 30 सेकंड नहीं है। मुझे लगता है कि बस झगड़ा सिर्फ इतना है प्रत्युष भाई पार्टी और हां कि फरवरी में चुनाव होने वाले, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तथाकथित, मैं जानबूझ के तथाकथित कह रहा हूं, ऐश्वर्या और वैभव बाहर ना निकल आए, क्योंकि मैंने देखा नहीं है उसको। इसलिए सबकी कौतूहल का विषय है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर राजनीति करना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी इस पर राजनीति करना चाहती है। सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात है। आपने कहा फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, उसी को लेकर के ये घमासान है। आदिल खान जी, कहीं फिर से पैर पकड़ पॉलिटिक्स होने शुरू हो जाएगी? पीयूष भाई, फिर से पैर पकड़ पॉलिटिक्स तो नहीं शुरू हो जाएगी? भाई आप देखिए कि एक मिनट, 4 तारीख से लेकर अभी तक के तो उस बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के पास ही है। अब तो एलजी साहब के अधीन भी चली गई। हम अंदर की फोटो से नहीं डरते, आप फोटो ले जाइए, दिखाइए। उसमें कोई वो अरविंद केजरीवाल जी का अपना निजी आवास नहीं था, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि झगड़ा ये है, झगड़ा कुछ नहीं है। हमको डर ये है कि उस भारतीय जनता पार्टी उस घर पर मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को एलजी के माध्यम से शिफ्ट करना चाहती है, जो दिल्ली की जनता के खिलाफ है, जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। मैं ये कह रहा हूं कि अरे चुप हो जाइए मैडम, आप तो झूठ बोलने की मशीन हैं। वहां पे आप जाके झूठ बोलती रही पर आपका हुआ कुछ नहीं। करोड़ों के पर्दे, भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। 27 साल से सत्ता के बाहर है, 27 साल से सत्ता से बाहर है, अब जबरदस्ती एलजी के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर काबिज होना चाहते। मतलब बीजेपी शाजिया जी 27 साल की खींच निकाल रही है सीएम के, आपकी लालच, आपका लालच दिल्ली की जनता देख रही है। आपको 3 महीने बाद फिर दिल्ली के बाहर फेंकेगी, जैसे आप 27 साल से बाहर हो, कितने झूठ बोल रहे हो, दिल्ली की जनता का काम रोक रहे हो, चुनी हुई सरकार को बाधा डाल रहे हो, अपोजिशन को जेल भेज रहे हो, सीबीआई और ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार चला रहे हो। अनंत विजय सर, फरवरी का तो आपने जिक्र कर दिया, फिर आपने फरवरी का जिक्र कर दिया और मैंने पैर पकड़ पॉलिटिक्स का जिक्र कर दिया। क्या इस मामले में भी पैर पकड़ पॉलिटिक्स दिखेगी कि भाई एक सीएम रहेगा तो कहां रहेगा? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पैर पकड़ पॉलिटिक्स भाई, कमाल कर दिया। देखिए जी, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बैकडोर से कब्जा करना चाहते हो। साजिया जी, आपको पता है? अनंत विजय सर, आदिल भाई, दिल्ली की जो राजनीति वो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है। यहाँ पर कई प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की राजनीति, उसके औजार, उसके उपकरण, आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि ये देखिए, ये आदिल भाई तो तथ्य बता रहे हैं कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ इस बार जो दिल्ली की हालत है उसमें भारतीय जनता पार्टी, मतलब मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, और अब तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से मैंने सीटों का आकलन करना भी बंद कर दिया है।
इसलिए मुझे लगता है कि इस बार दोनों पार्टियों में ठीक ठाक टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस एक अलग चुनाव लड़ने का कल दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष दिल्ली में होने जा रहा है, और जो आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट है वो ये त्रिकोणीय संघर्ष ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कमोबेश वोट इंटैक्ट है। तो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोटों का डिवीजन होगा, उसकी वजह से बहुत तरह की राजनीति आपको यहां देखने को मिलेगी अभी जी। अब सवाल यह है कि साजिया इल्मी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री फिर कहां रहेंगी? अगर उस बंगले में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगी साजिया इल्मी? क्या ये तो एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि आतिशी जी को ही वो बंगला अलॉट किया जाएगा। एलजी ऑफिस ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है आज अखबारों में, समाचार प्रकाशन दिया ना एलजी ने, विवाद तो फिर यूं ही खत्म हो गया। अलॉटमेंट लेटर आज मिले या चार दिन के बाद मिले, रहना मुख्यमंत्री को वही है। 60 करोड़ रुपए खर्च करे थे, 60 करोड़ रुपए जो सुल्तान साहब ने कोविड के दौरान लोगों, प्रधानमंत्री ने अपने घर पे कितना खर्च किया साजिया बताओ, खर्च किए थे प्रधानमंत्री ने, तो मैं प्रधानमंत्री ने अपने घर पे कितना खर्च किया वो भी बता दो। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री का घर भी खोल दो, एलजी का भी घर खोल दो, काउंसिलर है उन्होंने बाकायदा हर्ष इनका नाम है, उन्होंने वो तस्वीरें सामने लाई थी, भाजपा ने नहीं लाई थी वो तस्वीरें। तो वो तस्वीरें अंदर से भी बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना जाए, झूठ बोलने की अदा पूरे दुनिया को पता है भाई साहब, जिस तरीके से अरे भाई अब नकल कर रहे हो हमारी, क्या झूठ नकल कर रहे हो, अभी नकल में भी अकल चाहिए भाई, झूठ बोलते हो, नकल कर रहे हो, झूठ बोलते हो, अरे अब नकल कर रहे हो मेरे झूठ बोलने में, तो आपका छेड़खानी खत्म है भाई, थोड़े समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इस बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। Zee News.